नमस्कार, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और बताइए कैसे हो आप सब, आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, एक बड़ी भर्ती यहाँ पर निकल कर आ रही है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड की तरफ से। तो यह बम्पर भर्ती है, विभिन्न प्रकार के पदों पर निकाली गई है। शॉर्ट नोटिफिकेशन इसका आ चुका है, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से पोस्ट है, सब कुछ बात करेंगे। बोर्ड पर ध्यान देना, महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपका भी सपना है गवर्नमेंट नौकरी लेने का, तो लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, ऑल अपडेट पाने के लिए आज ही अभिषेक क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। ध्यान दीजिए, FRI नाम तो आप जानते ही होंगे, वन अनुसंधान संस्थान नई भर्ती 2022-23। जी हाँ, बिल्कुल यह नोटिफिकेशन आ चुका है। आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन उसको पढ़ने से पहले आप थोड़ा यहां ध्यान दीजिए, तभी आपके समझ में आएगा। ऑनलाइन फॉर्म की शुरुआत हो रही है 20 दिसंबर से 19 जनवरी 2023 तक, ठीक है। एंड दोस्तों, इसका जो स्टेज फर्स्ट है इसका भी बता दिया गया है, एग्जाम्स डेट फरवरी 2023 में कंडक्ट हो जाएगी। एंड एज लिमिट 18 वर्ष से 27 वर्ष भी है, कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें 30 वर्ष भी है मैक्सिमम एज लिमिट, ठीक है। एप्लीकेशन फी देखिए, अगर आप लोग जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो ₹700 आवेदन फीस है। फीस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसको देखकर आप गलती मत कर देना, फॉर्म जरूर भर देना, अच्छी वैकेंसी है। एससी एसटी वालों के लिए ₹300 एप्लीकेशन फी लग रही है। सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखा जाए तो सबसे पहले स्टेज फर्स्ट सीबीटी एग्जाम्स होगी, उसके बाद सीबीटी 2 एग्जाम्स होगी, स्किल टेस्ट हो जाएगा जिसे हम ट्रेड टेस्ट कहते हैं कुछ कुछ पोस्ट में, बाकी कुछ पोस्ट ऐसी है एलडीसी वगैरह, उनमें टाइपिंग वाइपिंग होनी है। लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर के और मेडिकल होकर के फाइनल मेरिट निकल कर आ जाएगी। यह सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का चलने वाला है इस भर्ती में। अब हम देख पाएंगे कौन कौन से वो वैकेंसियां हैं जो वन अनुसंधान संस्थान के अंदर निकाली गई है। पहली भर्ती है टेक्नीशियन, ये है फील्ड लैब रिसर्च के अंदर 23 वैकेंसी है, खतरनाक पद है। इसमें एज लिमिट 18 वर्ष से 30 वर्ष है। बीएससी अगर आपने कर रखी है, कोई कंप्यूटर वगैरह का डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना। टेक्नीशियन ये मेंटेनेंस वाली है, 5 वैकेंसी है, 18 वर्ष से 30 वर्ष आयु सीमा है। बीएससी आईटी डिप्लोमा वगैरह कुछ कोर्स कर रखा है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्नीशियन असिस्टेंट, ये पैरामेडिकल वाली है, 7 इसमें पद है, 18 वर्ष से 30 वर्ष, बीएससी वगैरह इसमें मांगी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब यहां से और यहां तक आप लोगों के काम की है, क्योंकि ये वो वैकेंसी है जिसमें लाखों फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। क्लर्क टावर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, 5 वैकेंसी है, 18 वर्ष से 27 वर्ष एज लिमिट चाहिए। 12वीं पास अगर कर रखी है तो फॉर्म जरूर भर सकते हो क्लर्क पद में। इसमें टाइपिंग भी होगी, या तो हिंदी में कर देना या फिर इंग्लिश में कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट गार्ड, अब फॉरेस्ट गार्ड आपको बनना है, 2 वैकेंसी है, एज लिमिट 18 वर्ष से 27 वर्ष है, इसके लिए क्वालिफिकेशन केवल 12वीं पास चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, 1 वैकेंसी है मात्र, 12वीं पास फॉर्म अप्लाई कर सकता है, स्टेनो का अनुभव होना चाहिए, तो स्टेनो तो आप कर ही लोगे, ये स्टेनो वगैरह टाइपिंग वगैरह तो एग्जाम्स के बाद में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोर कीपर, 2 वैकेंसी है, 10th पास फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एंड है दोस्तों ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की, 4 वैकेंसी है, 10th पास फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है। अब एमटीएस की भी और है दोस्तों, अब जो एमटीएस है ना इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 40 टोटल पोस्ट है। अगर आप लोगों ने 10वीं पास कर ली है तो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की नौकरी आप ले सकते हो वन अनुसंधान संस्थान के अंदर, ठीक है। भारत देश का नागरिक होना चाहिए, 10वीं पास इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो यह है दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान के अंदर निकाली गई भर्ती में पदों का विवरण, ठीक है। अब जौन से पद में आप फॉर्म अप्लाई करना चाहो कर देना, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले सीबीटी एग्जाम्स होगी, स्टेज फर्स्ट जो फरवरी में होनी है। इसका एग्जाम्स पैटर्न भी दोस्तों अलग अलग है, जैसे लैब टेक्नीशियन में भरोगे तो इसका अलग है, बाकी
इनमें क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड, स्टेनो, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, इनका तो एक जैसा है, एमटीएस वगैरह। तो आप देखिए 100 क्वेश्चन का पेपर आता है, ठीक है, एक प्रश्न एक अंक का होगा, यानी कि 100 मार्क का टोटल होगा, टाइम 2 घंटे का रहता है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 इसमें रहती है। अब सब्जेक्ट दोस्तों वही आएंगी जो दुनिया में आ रही है, प्रतियोगी परीक्षाओं की किसी की भी आप तैयारी कर लेना, यही सब्जेक्ट आपको पढ़नी पड़ेंगी। रीजनिंग आएगी, जीएस आएगी एंड मैथ और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आ रही है। बाकी आप टेक्निशियन वगैरह इनमें फॉर्म अप्लाई करोगे तो इनके अंदर जैव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, 20-20 क्वेश्चन इनके अलग से आते हैं, बाकी यही सब्जेक्ट आपकी आएंगे। ये था दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन, अब फुल नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि आज तो अभी 20 दिसंबर नहीं हुई है, 20 दिसंबर से पहले यानी कि 19 या 20 को फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर हम और अच्छे से बात कर लेंगे वहां पर, क्या पता एग्जाम्स पैटर्न में कुछ फेर बदल हो, बाकी सब्जेक्ट तो यही आएंगी, क्वेश्चन वगैरह चेंज हो सकते हैं कम ज्यादा, ठीक है, तो और हम सब कुछ जानकारी दे देंगे। अभी आप प्लानिंग बना लीजिए, फॉर्म आपको भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, और कोई आपकी समस्या है तो आप इंस्टा और व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। दोस्तों हमारा फर्ज है कि हम आपको ऐसी भर्तियां बताएं जिनमें सिलेक्शन के चांस हो, एक ही लक्ष्य के पीछे मत भागो, विभिन्न प्रकार की वैकेंसियों में अपनी किस्मत अवश्य अपनाइए, फॉर्म जरूर भरा करिए, एग्जाम्स दिया करिए, क्या पता कौन सी भर्ती में आपकी किस्मत साथ दे दे, तो इसलिए आज ही अभिषेक क्लासेस के साथ आप जुड़ जाइए, यहां पर ऑल इंडिया की सरकारी और प्राइवेट नई भर्तियों की पल पल की अपडेट मिलती है, और अपडेट भी एकदम ईमानदारी सटीकता के साथ मिलती है, यहां पर फेक बातों से बिल्कुल अवगत नहीं करवाया जाता है, गुमराही बातों का शिकार नहीं किया जाता है, सच्चाई के लिए आज ही अभिषेक क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।